नमस्कार, स्वागत है आपका एनएन 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरबा जिले के दीपका क्षेत्र अंतर्गत गांधी उद्यान बुधवारी बाजार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उद्यान में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शांति के प्रतीक कबूतरों को खुले आसमान में छोड़ा गया, जिसके बाद भजन गायन में महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम एवं अन्य कई भजनों का गायन साहू आचार्य जी एवं उनके भजन मंडली के द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सफाई कर्मी एवं गरीब लोगों को लगभग 200 कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर हमारे चैनल के कोरबा ब्यूरो ओम गवेल ने आयोजनकर्ताओं से खास बातचीत की। आज 30 जनवरी 2023 को गेवरा क्षेत्र अंतर्गत बुधवारी में गांधी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा आप सभी को पता है कि 30 जनवरी 1947 को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही देश को आज़ादी दिलाने में सबसे प्रमुख व्यक्ति हमारे गांधी जी, जिनकी पुण्यतिथि आज 75वीं वर्ष मनाई जा रही है। इस अवसर पर हमारे साथ दीपका क्षेत्र के कांग्रेसी जन उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज उन्होंने राष्ट्रपिता को याद किया और क्या क्या कार्यक्रम किए। भैया बताएंगे किस तरह से आज आप लोगों ने गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाया है। गांधी उद्यान में आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। युवक कांग्रेस कटोरा विधानसभा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीपका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन था। और ये हम लोग हर वर्ष 30 जनवरी को पुण्यतिथि उनकी मनाते हैं महात्मा गांधी जी की, और 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। बहुत ही अच्छे वातावरण में मनाया गया। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित थे, और जो इस क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कंबल का वितरण भी किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उन्हें बताया गया कि महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन के दौरान किस तरीके से संघर्ष किया, और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले जो नाथुराम गोडसे हैं, उनकी विचारधारा आज समाज में किस तरीके से फिर समाज को दूषित कर रही है, उसे सावधान भी किया गया लोगों को। और एक अच्छे वातावरण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोरा लकड़ा और राम कुमार कंवर, यूथ कांग्रेस के सभी तमाम साथीगण यहाँ उपस्थित थे, और सबके साथ मिलकर हमने एक वृहद कार्यक्रम था जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित थे, और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। श्रद्धांजलि दी गई महात्मा गांधी जी को, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी है। मैं चाहूँगा आपसे जानना कि किस तरह से आप लोग भी यहाँ पे चुपड़ते हैं, किस तरह से कार्यक्रम किया गया, पहले आप परिचय देंगे। जी, मैं श्रीमती मनोरा लकड़ा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीपका के अध्यक्ष, और आज गांधी उद्यान में चूंकि हमारे तनवीर भाई के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, उसी के तहत तब मैं यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती श्रीदेवी नायर के साथ हम एल्डरमैन पार्षद बृहद संख्या में हम सब कांग्रेस जन उपस्थित थे, और यह महात्मा गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ में जितने भी गरीब तबके के महिलाएं जो कर्मचारी हैं, काम करते हैं भाई, उनको हम लोग मिलजुल करके कंबल का वितरण किया गया, ताकि उनको थोड़ी सी राहत दे सकें, चूँकि महात्मा गांधी का एक योजना था। आज दीपका में प्रांगण स्थित गांधी उद्यान में गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि हम सब कांग्रेस जन मिल के यहाँ उद्यान में मनाया गया, जिसमें समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस, ये सारे लोगों ने मिल के गांधी जी की प्रतिमा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, एवं साथ ही साथ भजन मंडली के साथ रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम इसका भजन गाया गया। साथ ही साथ आसपास क्षेत्र में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम लोगों ने आज लगभग 200 कंबल वितरण किया गया, जो हमारे वार्ड क्रमांक 2 और कृष्णानगर की बस्तियां हैं, इसमें झुग्गी झोपड़ी में जो लोग निवासरत हैं उन तक ये कंबल का वितरण कर इस ठंड में बचाव के हेतु ये कंबल वितरण किया गया। साथ ही साथ गांधी उद्यान के गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष हम सभी कांग्रेसी खड़े होकर शांति का प्रतीक कबूतर माना जाता है, ये 2 कबूतर भी छोड़ा गया आदरणीय भैया तनवीर अहमद जी के द्वारा, और आदरणीय भैया रेशम लाल जी के द्वारा, और आदरणीय भैया सूरतदास मानिकपुरी के द्वारा। साथ ही साथ मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, कि आज के डेट में गांधी जी की जो विचारधाराएँ हैं, इन सबको हम युवाओं को
अपने अंदर लाने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। आज महात्मा गांधी जी के 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी उद्यान दीपका में कार्यक्रम श्रद्धा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीपका, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, और जो गरीब तबके के लोग यहाँ महिलाएं उपस्थित थी उन्हें कंबल वितरण किया गया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।